जी तो कैसे हो आप लोग, मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी आप लोग का जो 22 फरवरी को यानी आज ये पेपर हुआ है हिंदी का, आप लोग देख सकते हो यूपी बोर्ड क्लास 10th का, उसका ये आप लोग देख सकते हो 801 HE कोड वाला। जी हमें दोस्त 801 HE कोड का ये पेपर है आपका 2024 को 22 फरवरी को अभी अभी जो आपका एग्जाम होकर आया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये किसी लड़के ने भेजा है, राहुल पाठक नाम का ये लड़का व्हाट्सअप पे। ठीक है, चलो इसका पूरा का पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कैसा ये पेपर आया था। ठीक है, चूंकि हम लोग इससे पहले, इस वीडियो से पहले जो ये HE कोड है ना, इससे पहले हम लोग HG कोड का एक पेपर है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा अच्छे से हमने पहली वीडियो में हमने एनालिसिस किया था और दूसरी वीडियो में उसका पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, एक एक सटीक आंसर के साथ पूरा फुल पेपर का मैंने सॉल्यूशन किया था 10-12 मिनट में। तो अगर आपका HG पेपर सेट है, ठीक है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ये सेकेंड कोड है। चलो इस वीडियो में इसका पूरा का पूरा एनालिसिस कराता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अभी आएगी इस वीडियो के 10 से 15 मिनट बाद उसमें उसका सॉल्यूशन होगा पूरा पूरा। देखो ये पेपर कोड है आपका HE वाला। ठीक है, आप लोग देख सकते हो HE वाला, ये सबसे पहले 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। ये रक्षाबंधन नाटककार का हमें नाम बताना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये पूछा गया था, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये शुक्लयुग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वही कितनी बार आपको बताया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये वार विलास प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। ठीक है, ये नीचे इससे क्वेश्चन काफी टफ टफ एड किया है इसमें, HE वाले कोड में मैं देख रहा हूं इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन एड किया है ये नीचे। ठीक है, हाँ भाई ये तो रचनाओं में मैं देख लिया, ये काफी टफ टफ क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, इनमें से कई सारा मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ाया उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं कह दूं कि हाँ मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले ये आप लोग देख सकते हो आभूति सी चढ़ गई। ठीक है, ये तो मान लो ठीक है, ये अपना ठीक, ये आपका दोहा छंद का ठीक उल्टा, हाँ ये भी ठीक है। ठीक, आगे देखो ये अनुरूप, मतलब ये आपके व्याकरण वाले तो ठीक क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। ठीक है, व्याकरण वाले इस पेपर सेट में भी ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये पेपर सेट जो HE ये वाला जो पेपर सेट है ना, थोड़ा मतलब ये मतलब थोड़ा है, मतलब अच्छा खासा पेपर है। आगे चलते हैं। आगे देखो ये खंड ब में आप लोग का यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक गद्यांश यहाँ पे पूछा गया है और नीचे आपका अथवाला में ये आपका ये एक गद्यांश यहाँ पे पूछा गया है। ठीक मेरे भाई, उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे ये चरण कमल बंधु हरिराय, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे पूछा गया ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना जरूरी है। अगला आप लोग का मैथ का पेपर है। जी हमें दोस्त, अगला आपका किस चीज का पेपर है? मैथ का पेपर है आपका 27 फरवरी को। अगर आप 2023 में, ठीक है 2023 में अगर आपके जो 7 सेट आए हुए थे उनको अगर लगा लेते हो तो देखो कई क्वेश्चन तो उसमें से फंसेंगे, और पूरा पूरा 7 सेट लगा लेते हो तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसी के बेसिस पे सवाल आएंगे। तो 2023 का जितना भी 7 कोड का पेपर है आप लगाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, उसका अगर सॉल्यूशन अच्छे से चाहते हो तो हमारी ऐप है। ठीक है, हमारी ऐप है, ये डाउनलोड कर लेना, UPMSP स्टडी। ठीक है, इस ऐप पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ PDF सॉल्यूशन भी वहां पे मैंने डाल रखा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और उसकी चूंकि प्राइस है मात्र 99 रुपये आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपको हिंदी का तो पेपर हो गया तो हिंदी का काम खत्म, आपको उसमें मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है आपका मन। ठीक, चलो ये इसमें देखो ये अथवाला में ये देखो ये आया था। ठीक है, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे तीसरे में ये आपका अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी वाला तो निश्चित है, हर एक पेपर सेट में आ रहा है, मैं जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे देखो ये वाराणसी वाला। ठीक है, और ये तो भाई एकदम मैं ये बताया था ये सब। ठीक है, ये चलो ये आपका वाराणसी वाला सा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो ये इसके अलावा यहाँ पे ये अलग सा थोड़ा ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अथवा इस बीच में रहना चाहिए, यहाँ पे अथवा ये पेपर सेट थोड़ा मतलब यहाँ पे बीच में अथवा डाल देना चाहिए क्योंकि वाराणसी और ये अलग छेंद्रा। ठीक है, तो ये बीच में अथवा ये आई थिंक पेपर सेट मिट गया है, यहाँ पे लड़के ने PDF बनाया होगा या पता नहीं। ठीक है, चलो तो ये वाराणसी वाला से ये पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे देखो ये भाई संस्कृत, ये आपका जो अनिवार्य संस्कृत में जो पद्यांश वाला पार्ट है यानी श्लोकों वाले से ये भी ठीक यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, मतलब इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ठीक ठाक आपके पूछे गए हैं। आपका ये पठित खंड काव्य के आधार पे आपका ये खंड काव्य या कर्म जो भी खंड काव्य है इसमें आपने किया होगा। ठीक है, ये आप लोग का लेखकों के जीवन परिचय में बताया था कि आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेना। रामधारी सिंह दिनकर का फंस गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा मैंने इसमें कवियों में बताया था कि आप महादेवी वर्मा जी का और तुलसीदास जी का, सूरदास जी का और एक किसी और का याद कर लेना। तो देखो यहाँ महादेवी वर्मा जी का फंसा हुआ है, आ गया है आपके एग्जाम में। ठीक, यहाँ तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक मतलब नॉर्मल सा श्लोक लिखना है, दो मार्क आप लिख ही दिए होंगे। ये यहाँ पे दे दिया है, लास्ट में देना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ आठवें नंबर पे ही दे दिया है ये पत्र लेखन। ठीक, देखो पत्र लेखन तो भाई अलग ही टॉपिक पे दिया है, मैंने नहीं कराया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देखो ये प्रश्न चार्ट है, यहाँ अब देता है लेकिन पांच टे दिया है। ठीक है, पांच में से किसी दो का आपको उत्तर लिखोगे तो आपको दो मार्क मिला होगा। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे आपका ये निबंध भी इसमें एक अलग ही इस बार ये जोड़ा गया है। ठीक है, नए नए यहाँ पे निबंध इसमें जोड़े गए हैं, कोई प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा गया है मुझे यहाँ पे जहां तक आशा है। ठीक, और उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे आपका बस खत्म, पत्र लेखन तो ऊपर ही दे दिया था। तो ये आपका HE वाला, जी हमें दोस्त ये HE वाला पेपर सेट था। ठीक है, ये थोड़ा मतलब कठिन पेपर था मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ये HE वाला कोड, ठीक है, अभी तक मतलब मैं जो HG वाला देखा उसकी अपेक्षा तो ये कठिन था। अभी मैं देखता हूँ अगले किसी पेपर की एनालिसिस करूंगा तो बताऊंगा कि हाँ मतलब वो पेपर कैसे हैं। तो ये HE वाला कोड था, इसका एनालिसिस था। नेक्स्ट वीडियो में चलो इस HE वाले कोड का या किसी और कोड का देखता हूँ किसका मैं सोल्यूशन एड करता हूँ। ठीक, चलो चलो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी पेपर के सोल्यूशन के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।